Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Sarvapratham Hare Guru Pad Padma Nitrila Prabhishna Vishnu Pad Ashtodara Sri 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 Pad Bhakti Sri Rupa Siddhanti Goswami Maharaj Nai Charna Prabhupada Ananda Bhakti Sashtanga Tadpashyat Gurupad Vatma, Nitalila, Pravishna Krishna Pada, Shodhara Sadasri, Krishna Madhya Pugadana Sadhila, Narayana Goswami Maharaj, Vicharno Sadhila, Sradha Pushpanjali Akhila, Upasthi, Vaisna Vaisnavi, Savigami Jathaja Gurupadana, Hare Krishna. Kata kalle hum log sravan kar rahe the, kisi ne prashn kiya, Krishna किसके तक प्रार्थना को श्रवण करते हैं? इसका उत्तर में हम लोग ने श्रवण किया था, भगवान कई प्रार्थना श्रवण करते हैं, जो भगवान का इच्छा से जो कुछ होता है उनको इच्छा में जो इच्छा मिला देता है भगवान, उसको जिस स्थिति में रखते हैं वो स्थिति को भगवान की कृपा मान करके जो स्वीकार करते हैं, दे तो सुख में दुख दे तो दुख, हर स्थिति को भगवान की इच्छा मान करके अपना जीवन में स्वीकार कर लेता है और क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है। इसलिए कहते हैं उनकी ही प्रार्थना भगवान श्रवण करते हैं। आठवां जो प्रश्न है, प्रकृत शिष्य के वास्तव रूप में शिष्य मतलब होता है जो शासन को स्वीकार करे, उसको कहते हैं शिष्य, उसको ही कहते हैं। इसलिए उसको उत्तर देते हैं, भगवान कृष्णचंद्र हमार मंगल रे जावतीय भार जार करे अर्पण करे छे से गुरुदेव श्री पाद पद में यदि हमें पूर्ण शरणागत होते पारी तभी हमी कहते शिष्य हुए है। कहते जो भगवान हमारी मंगल करने के लिए सब कुछ भार किसको ऊपर अर्पण किया है, बोले श्री गुरु जी को ऊपर में अर्पण किया है। इसलिए कहते जीवन में जो गुरुदेव का जो दर्शन, गुरुदेव का जो प्राप्ति है, कहते ना ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 भगवान से अनादि काल से ठाकुर से विछड़ते हुए जो हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति जो बहुत एकट हो जाता है, तब भगवत इच्छा से हमें कहीं सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता की, गुरु और कृष्ण की कृपा से ही यदि ये भक्ति लता की भी जीव को प्राप्त, बोले किसकी इच्छा से, बोले भगवत इच्छा से, ठाकुर की इच्छा से हमें सदगुरु की, ठाकुर की इच्छा से प्राप्त होता है। इसलिए शिष्य का कहते कर्तव्य है, उसका जो भावना है, फिर गुरुदेव को नहीं गुरुदेव, बोले भगवान हमारी मंगल के लिए, हमारे उद्धार के लिए जिसको पर सब कुछ भार सौंपा करके रखा है। कहते सही गुरुदेव पादपद्म यदि आप पूर्ण शरणागत होते भाई तभी प्रकृति का शिष्य, जिन्हें कहते हैं क्या करने चाहिए, गुरुदेव के चरण में हमें संपूर्ण रूप में शरणागत हो जानी चाहिए, संपूर्ण रूप में शरणागत हो जानी चाहिए। इसलिए कहते जो शिष्य है उसकी जो भावना है, क्या भावना है उसका, भावना कहते ना कहते चार तरह का शिष्य है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ और अधम, चार तरह का शिष्य है। इसलिए जो उत्तम शिष्य है गुरुदेव का कैसे सेवा करते हैं, कैसे सेवा करनी चाहिए, बोले नहीं चाहने पर भी, जैसे
पति कहीं बाहर जा रहे अभी पति ने कहा देखो आप बड़े दूर में जा रहे हो, साथ नाश्ता ले लेते और ठंडा पड़ रहा है एक साल के लिए। पति कहता है नहीं 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 जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी जल्दी से वापस आ जाऊँगा, कोई चिंता की बात करो मत करो। लेकिन पत्नी कहती है नहीं अगर देर हो गया तो फिर क्या करो, ठंडा पड़ रहा है बाहर। वो नहीं चाहने पर भी पत्नी क्या करती है उनके लिए इस साल और टिफिन में खाना दे करके थाली में भर करके दे उसको साथ में ले जाए। लेकिन पति तो मना कर रहा है, पति मना कर रहा है लेकिन पति ने इसको जोर जबरदस्ती दिया। आप बता पति खुश हो रहे हो जी हो तो देखो मेरी पत्नी मेरे को कितने ध्यान दे कितने ध्यान दे यदि ये उत्तम सबक है। नहीं चांद पर भी उनकी जैसे श्री लक्ष्मण जिस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को ऐसे आदेश दिया जो नहीं करनी चाहिए सबक, लेकिन उसको चूँकि बड़े भाई का आदेश है इसलिए उनको करना पड़ा। मतलब अगली बार मैं और छोटा भाई बनकर नहीं आऊँगा, आऊँगा तो बड़े भाई बनकर, क्योंकि देखो बड़े भाई बनकर आप क्यों, मतलब मेरे आदेश को कृष्ण को पालन करना पड़ेगा। इसलिए फिर बलदेव बनकर के और श्री नित्यानंद प्रभु बनकर के आते हैं और अपना इच्छा मर्जी भगवान को सेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेवा की भावना है, भोग की भावना नहीं, इनके अंदर में सेवा की भावना है। इस सेवा की भावना की वजह से अगर मैं बड़े भाई बनकर गाऊँगा तो कृष्ण छोटे बनेंगे भगवान छोटे बनेंगे, इसलिए बड़े भाई का आदेश को तो पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपना मन मर्जी मैंने भगवान की सेवा, इसलिए भगवान की सेवा के लिए वो बड़े भाई बनकर जाते हैं। ये उत्तम सेवा, उत्तम सेवा कि भगवान की सेवा के लिए वो बड़े भाई बनकर जाते हैं। इसलिए कहते हैं मध्यम सबक वो नहीं, बोले मध्यम सबक उसे देते हैं बोलने से पहले जो सेवा करके बोलने का जरूरत नहीं। तब जैसे श्री भरत थे जिसने भगवान राम भरत को बोले एक दिन कैकेयी ने बोला देखो राम मेरे मन में तो बोले एक इच्छा है, इच्छा पूरी हो जाए ना मैं उस समय प्राण त्याग कर दूँ। बोले क्या इच्छा है? बोले भरत मेरे को थोड़ी सी माँ एक बार बात, वो मेरे को माँ नहीं बोलता है। फिर महारानी कैकेयी क्या आदेश आपका है? इसलिए माँ शब्द सुनने के लिए मेरे जी तरस रहे, एक बार मेरे को बाँ बोलते बस माँ सुन करके अपना शरीर को मैं त्याग दे दूँ। भगवान राम ने बोले माता जी कोई चिंता मत करो। बोले भरत इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले एक आदेश में पालन करना। भरत ने कहा प्रभु अभी तक आप कभी मेरे को आदेश नहीं दिए, आदेश देने से पहले मैं आपकी इच्छा जानकर सारे काम को मैं कर लेता, आज पहली बार मेरे को आप आदेश दे रहे हो, आपके सारे आदेश को पालन करूँगा लेकिन एक आदेश पालन नहीं करूँगा। कई कई को कभी मैं मान नहीं, इसके सिवाय सारे आदेश को मैं पालन कर लूँगा। इसलिए कहते ये जो भारत है आदेश देने से पहले जो उनकी इच्छा को जान करके कनिष्ठ सेवक कौन है? सबसे आदेश देने पर जो श्रद्धा पूर्वक उसको आदेश देने पर चिंता, बोले जो अधम सेवक है बोले आदेश देने पर भी जो आदेश को पालन नहीं करे। इसलिए एक बोले मधुमक्खी, मधुमक्खी मतलब क्या है? जैसे मधुमक्खी गुनगुनाता है ना, मधुमक्खी गुनगुनाता है हैं। इसलिए गुरु जी ने आदेश दिया भैया ये काम को कर लो, जाओ वहाँ पर ये होगा देख कर क्या। बोले गुरुदेव अगर वहाँ पर गए अगर मिला नहीं तो क्या होगा? फिर बेकार है ना, मिला नहीं तो हैं। जैसे मधुमक्खी गुनगुनाता है ना, बोले ये सेवा करना मुझे दी, बोले दीदी अगर ऐसे को ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? कहती ये मधुमक्खी है। दूसरा सेवा कहते बाण, बाण मतलब होता है तीर, जैसे तीर मारते हैं ना। गुरुदेव ने आदेश दिया बेटा ये काम को करो, बोलने से पहले अभी गुरु का मुंह से पूरी बात नहीं निकली हैं, बस बोलने का साथ साथ दौड़े, जब दौड़े
बोले भैया गुरुदेव का बात तो बोल के सुनाए सुना नहीं क्या करना कि गुरुदेव क्या बोलना चाह रहे थे हैं गए फिर वापस आए बोले गुरुदेव आप बोल रहे थे जाने के लिए बोले बेटा मेरे मुंह से अभी बात खत्म नहीं हुआ तुम बिल भाग गए हैं फिर वहाँ से वापस आते हैं उसको कहते हैं बाणे इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कहते शिष्य का जो एक कर्तव्य है क्या समझनी चाहिए भगवान हमारी मंगल करने के लिए भगवान ही ये गुरु रूप में हमारे पास में उपस्थित हुए हैं इसलिए जो संपूर्ण रूप में गुरु जी के चरण में शरणागत होकर के जो भक्ति करते हैं कहते कहते वो कौन है तभी अमी प्रकृत शिष्य तभी हम वास्तव रूप में शिष्य शिष्य मतलब होता है गुरु जी का शासन को जैसे होता है ऐसे नहीं गुरु जी बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं गुरु जी बढ़िया बढ़िया प्रशंसा करे तो बोले प्रशंसा करो सुनो अगर कोई गड़बड़ी क्या अगर गुरु जी थोड़ी बोल दिया ना मैं ऐसे कर सकता हूँ भाई मेरे से ऐसे हो सकता है गुरुदेव मेरे गुरु ऐसे क्यों बोल इसलिए शिष्य कहते उसको जो गुरुदेव का शासन को जो स्वीकार करे कहते प्रशंसा में जितने कल्याण हैं उससे ज़्यादा लाभ शासन है ज़्यादा लाभ शासन में ज़्यादा लाभ क्यों हम बद्ध जीव हैं हम बद्ध जीव हैं बद्ध जीव को स्वाभाविक रूप में उसका जो भावना गलत रास्ता पर स्वाभाविक रूप में चलता है कोई अच्छे रास्ता पर तो ये मन को समझा बुझा करके अच्छे रास्ता पर चलता है देखना ये मन स्वाभाविक रूप में जो चलता है वो उल्टा रास्ता पर चलता है इसलिए यदि शिष्य का ज़्यादा लाभ है गुरु जी की शासन को जब स्वीकार करता है उसमें ज़्यादा लाभ उसी में है ज़्यादा लाभ प्रशंसा में नहीं लेकिन बद्ध जीव का स्वभाव है प्रशंसा सुने तो एकदम फूल करके एकदम गुप्पा हो जाता है क्या हो जाता है और थोड़ी सी अगर शासन कर दे बस क्रोध हो जाता है इसलिए कहते श्री गुरुदेव हमार मंगल जन जे व्यवस्था करे ताहा नत श्री ग्रहण कराए हमार कर्तव्य यही प्रकृत शिष्य विचार प्रतिभा अमंगल अनिवार्य कहते गुरुपाद पद्म हमारे कल्याण करने के लिए जो व्यवस्था देते हैं उसको क्या करनी चाहिए उसको नतमस्तक होकर के वो व्यवस्था को स्वीकार करनी चाहिए हमारे किसी में कल्याण हो गुरुदेव हैं हमारे कल्याण के लिए जो कुछ बोलते हैं उसको नतमस्तक होकर के स्वीकार करनी चाहिए यदि ये वास्तव रूप में प्रकृत शिष्य का ये यदि ये विचार है न तो वह अमंगल अनिवार्य कहते नहीं तो अमंगल अनिवार्य मतलब निश्चित रूप में हमारी अमंगल होगा ही अमंगल होगा ही इसलिए जिनी भोगी ना होए इंद्रिय द्वारे विषय भोग ना करे गुरुवानुगते सतत भगवत सेवा करे तिनी प्रकृत शिष्य कहते जो शिष्य है उसका भावना कैसे होनी चाहिए कहते जो शिष्य है कभी उनके अंदर में भोग वृत्ति नहीं रहता उनके अंदर में कभी भोग वृत्ति भोग करने की वासना उनके अंदर में नहीं रहता भावना क्या रहता है सेवा की भावना कब हम सेवा करें कब हम सेवा करें इसलिए बोले किंग कर न किंग कर कहते ना किंग कर सेवो किंग कर मतलब किंग करो थी किंग करो थी किंग करो थी मतलब हम कैसे ठाकुर को सुख दे कैसे गुरुदेव को सुख दे कैसे वैष्णव को हम सुख दे इसलिए किंग कर मतलब किंग करो मी क्या करूँगा क्या करूँगा कैसे ठाकुर को सेवा करूँगा इसलिए कहते जो कभी भोग की वासना नहीं कहते इंद्रिय द्वारे विषय भोग ना करे कुर्बानुगते सतत भगवत सेवा करे तिनी प्रकृत शिष्य इसलिए कहते इंद्रियों के द्वारा जो विषय भोग नहीं करके हर समय गुरु जी के अनुगत्य में सतत भगवत सेवा करे हर समय जो भगवत सेवा में ही लग रहते हर समय भगवत सेवा में जो लग रहते एक समय हमारे मेरे जो गुरुदेव थे
मंदिर कहीं बन रहा था, मंदिर कहीं बन रहा था, मंदिर बनते समय जैसे नीचे डंडे लगा देते हैं, जैसे नया नया डंडे लगा देते हैं, कल छत पड़ा, थोड़ी कल छत पड़ा, उसके नीचे डंडा लगा कर रखते थे। इतने में गुरुदेव ने हमारे के गुरु भाई थे, उनको बोले देखो डंडे को हटा दो। अभी उन्होंने सोचा ये कलीन छत पड़ा और गुरुदेव का भी डंडे को हटा दो, तो डंडा तो छत गिर जाएगा, वो तो गिर जाएगा, हरत गिर जाएगा ना, अभी तो वो दिव्य घाय पड़ेंगे। तो सोचने लगे बोले कलीन छत पड़ा तो गिर जाएगा, लेकिन गुरुदेव कहते उसको रस्सी को खींच दो और उसको नीचे जो डंडे लगा उसको खींच दो। उसने जो उन्होंने हमारे और एक एक गुरु भाई थे बोले गुरुदेव ये बोल रहे हैं उसको निकाल देने के लिए, तो उन्होंने बोले ये तो खाली छत पड़ा तो गिर जाएगा, लेकिन गुरुदेव कह रहे भाई इसको निकाल दो। तो उन्होंने जो निकाल दिया छत पड़ा, छत तो गिर पड़ा, तो गुरुदेव ने देखा, देख करके क्या हुआ, छत पूरा पूरा गिर पड़ा, कल कल का छत पड़ा था। कहते वहाँ पर गुरुदेव उसको परीक्षा कर रहे थे, गुरुदेव उसको परीक्षा कर रहे थे कि ये सचमुच शिष्य है कि नहीं, उनको पता है ये छत कल पड़ा है ये गिर जाएगा, उनको पता है, लेकिन पता रहने पर भी गुरुदेव को परीक्षा करने के लिए वो शिष्य सचमुच शिष्य है कि नहीं, हाँ वो आदेश को सही से पालन करता है कि नहीं, इसलिए उसको परीक्षा करने के लिए उन्होंने गुरुदेव आदेश दिया। लेकिन उन्होंने गुरुदेव का आदेश जानता है कल पड़ा, लेकिन उन्होंने खींच दिया, लेकिन पूरा पूरा छत पड़ा ठीक होगा। इसलिए कभी कभी गुरुदेव ना गुरुदेव परीक्षा करने के लिए कभी कभी शिष्य को परीक्षा करने के लिए कभी कभी उन्होंने ऐसे आदेश दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो गुरुदेव पाद पद्म है, कहते हैं उनकी कहते कहते गुरुवार कहते सतत भगवत सेवा करते प्रकृत शिष्य, कहते जो गुरु जी के अनुगत्य में हर समय सतत हर समय जत्नशील होकर के जो सेवा करते हैं तो वास्तव रूप में वही शिष्य है। जगत है सब ही गुरु सेवार उपकरण, सब ही कृष्ण सेवार वस्तु, गुरु सेवार उपकरण ही भोग बुद्धि हले मंगल हवे ना। कहते एक शिष्य की अंदर में भावना क्या रहता है, कहते उनके हृदय में भावना रहते हैं कभी जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं जगत में कुछ क्या है, बोले सब के सब श्री गुरु जी की सेवा के लिए, हर वस्तु गुरु जी की सेवा के लिए है, और सब कृष्ण सेवार वस्तु कृष्ण गुरु सेवार उपकरण भोग बुद्धि वाले मंगल हवे ना। इसलिए शिष्य समझता है सब के सब गुरु सेवा के लिए, लेकिन गुरु जी हर चीज को क्या कहते हैं, हर चीज को क्या कहते हैं, क्या हर चीज को भगवत सेवा में लगाते हैं, हर चीज को भगवत सेवा में ही लगाते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं गुरुदेव को क्या समझनी चाहिए, बोले गुरुदेव को ये समझनी चाहिए ये नित्यानंद अभिन्न बा ये गुरुदेव बलदेव अभिन्न, गुरुदेव को ये समझनी चाहिए नित्यानंद और बलदेव अभिन्न। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भैया क्या सब गुरु को नित्यानंद अभिन्न बलदेव अभिन्न समझनी चाहिए हर गुरु को, कहते नहीं। प्रभुपाद कहते नहीं, बोले क्यों, बोले देखो बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु का आदर्श को देखो, कहते बलदेव कृष्ण से अभिन्न है, तो देखने में कृष्ण काले और बलदेव प्रभु गोरे इतने ही और कुछ नहीं है, एक भाई है एक तन दुई भाई समान प्रकार, केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए वो केवल दो रूप हुए हैं, केवल दो रूप ही हुए वो अभिन्न, लेकिन अभिन्न होते हुए भी बलदेव प्रभु करे ही क्या, उनको पंच रसों से सेवा करें, शांत दास सत्य वात्सल मधुर हर सेवा में उनकी सेवा कर रहे हैं, और श्री दस शरीर से सेवा करते हैं, उनका पादुका स्वयं बलदेव प्रभु बन गए, उनका वस्त्र बलदेव प्रभु बन गए, उनका जने बलदेव प्रभु बन गए, उनकी पादुका बलदेव प्रभु बन गए, उनका सिंहासन बलदेव प्रभु बन गए, उनका छत्र बलदेव प्रभु, चावर बलदेव प्रभु हैं, उनके सब कुछ जो कुछ हम देखते हैं वो सब बलदेव प्रभु का प्रकाश है,
लेकिन वो अभिन्न होते हुए भी कर रहे हैं क्या, हर समय कृष्ण सेवा कर रहे हैं। कहते वही गुरुदेव ही अभिन्न बलदेव स्वरूप है, जो हर चीजों को अपना भोग का विषय नहीं जान करके क्या करते हैं, ये शब्द सब कृष्ण सेवा के लिए है, हर चीज भगवान की सेवा के लिए, कोई चीज हमारी सेवा के लिए नहीं, हर चीज ठाकुर जी की सेवा के लिए। इसलिए अगर श्री गुरुपाद पद्म, इसलिए श्री विश्वनाथ कुठर कहते ना, श्री विग्रह आराधन नितनाना श्रृंगार तन मंदिर मजना दो युक्त भक्त निकुंज तो कहते गुरुदेव क्या कहते हैं, बोले स्वयं शिव विग्रह आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्ग ना, गुरुदेव कहते हैं क्या, जब जिनका 24 घंटा भगवान की सेवा पूजा श्रृंगार ठाकुर की सेवा पूजा करते हैं, और उनका जो अनुगत में जो आने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, उन पर भी कृष्ण सेवा मिलेगा, खुद कृष्ण सेवा भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भगवत सेवा में जो लगाते हैं, वो अपना सेवा में नहीं लगाते, किसके सेवा में लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सचमुच से वही बलदेव अभिन्न प्रकाश है, नित्यानंद अभिन्न प्रकाश, जो 24 घंटा में 24 घंटा भगवत सेवा करते हैं और भगवत सेवा में आने वाले जीवों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुरु है जैसे जय गुरुदेव, अब नाम नाम जय गुरुदेव नाम, उनका मंदिर में जाओगे ना तो भगवान भगवान नहीं देखोगे, उसका ही फट लगा दिया, उसका ही फट लगा दिया है। इसलिए शास्त्र में बताया ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए बताया गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर, इसलिए गुरुदेव कौन, बोले गुरुदेव परम ब्रह्म है। इसलिए कभी कभी ये श्लोकों को लोग समझ नहीं पा करेंगे ना, उसको उल्टा काम में लगा देते हैं, बोले अगर गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वर हो गए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहाँ जाएंगे, तो ये फिर कहाँ जाएगी अगर गुरु ही हो गए। हाँ, इसलिए हमारे श्री भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज उसको व्याख्या करते हैं, बोले क्यों गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप में क्यों गुरु जी को बताए, बोले कारण ही, बोले गुरु जी ब्रह्मा का काम किया, बोले सृष्टि करना, बोले गुरु जी भी सृष्टि का काम क्या करते, बोले क्या सृष्टि करते हैं, बोले उन्होंने हमें जो भगवत कथा सुना करके हमारे हृदय रूपी खेती में कृष्ण मंत्र रूपी जो बीज को बो देते हैं, इसलिए कहते ना गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कहते गुरु और कृष्ण कृपा से उनको भक्ति लता रूपी बीज जो प्राप्त होता है, ये बीज को कौन बोने वाले, हृदय रूपी खेती में श्री गुरुदेव, ब्रह्मा का काम किया, बोले सृष्टि करना, इसलिए गुरुदेव ने क्या किया, सृष्टि किया, उसके बाद में गुरुदेव क्या करते, बोले पालन करते, बोले कैसे पालन करते हैं, कहते हमें जैसे उसमें पानी देनी चाहिए, बीज तो लगा दिया, पानी दोगे तब तो लता बढ़ेगी, वो पानी क्या है, बोले श्रवण कीर्तन जले करे सचिन, जो भगवान की जो कथा सुनाते हैं, हमें जो भगवान की कथा सुना करके हमारी जो भावना को धीरे 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 हमारा भावना को जो आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ा करके ले जाते हैं, कहते गुरुपाद पद्म ही कथा सुना करके हमें भक्ति जगत में आगे बढ़ाते, इसलिए विष्णु का काम किया पालन करना, उसी तरह गुरुदेव भी हमें पालन करते हैं, गुरुदेव संहार करते हैं शंकर रूप में, बोले संहार क्या करते हैं, बोले संत एवास चिंतनती मन अभ्यास संत, अगर कभी हम गलत रास्ता पर जाए गुरुदेव हमें शासन करते हैं, शासन करते हुए हमें गलत रास्ता में जाने नहीं देते, हर समय वहाँ से हमें बचा करके रखते हैं, इसलिए गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु, गुरु जी को महेश बताए हैं, इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं हर चीज को उस किस रूप में दर्शन करनी चाहिए, ये चीज गुरु सेवा की विषय है, कोई भी चीज अपना भोग की विषय नहीं, ये सब सारी चीज गुरु सेवा के लिए है, और गुरु जी को देने पर गुरुदेव क्या करते हैं, उसको फिर भगवत सेवा में लगाते हैं।
उसको उनने अपना सेवा में नहीं, गुरुदेव उसको कहाँ लगाते, ठाकुर जी की सेवा में उसको लगा देते हैं, ठाकुर जी को सेवा में लगाते हैं। इसलिए सबई कृष्ण सेवार वस्तु गुरु सेवार उपकरण भोग बुद्धि वाले मंगल हो ना, क्या हर चीज ठाकुर का सेवा गुरु सेवा थी, उसके अंदर में अपना भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसमें अपना भोग बुद्धि कोई भी वस्तु हो है, कोई भी वस्तु आए उसको प्रति भोग बुद्धि नहीं करनी चाहिए है। क्या करनी चाहिए उसको, सबसे पहले गुरु जी के चरण में समर्पित करनी चाहिए। कोई चीज़ आ जाए पहले सोच ले हमें ये चीज़ मिला, ये चीज़ हम पहनेंगे, ये चीज़ हम खाएंगे, नहीं, कोई भी चीज़ आए पहले हर चीज़ को गुरु जी के हाथ में समर्पित करनी चाहिए। मैंने पहले सुना है कि ना, एक समय कोई एक शिष्य था, वो भिक्षा के लिए जाता था, भिक्षा के लिए गया तो उन्होंने 25 रुपया भिक्षा मिला, जब लाए भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज के शिष्य को ही, तब उन्होंने गुरु जी को 20 रुपया दिया। गुरु जी ने पूछा आज कितना भिक्षा हुई, बोले 25 रुपया, बोले 5 रुपया कहाँ है, तुमने 20 रुपया दिया 5 रुपया कहाँ है, तो बिगड़ गए, बोले मेरे को जाना पड़ता है ना बस में, यहाँ जाना पड़ता वहाँ जाना पड़ता दूर दूर में जाना पड़ता, 5 रुपया रखूँगा तो मैं तो खर्चा करूँगा, अगर सब दे दिया तो फिर मैं खर्चा कैसे करूँगा, मैं इतना दूर में कैसे जाएंगे, भिक्षा करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। तो भक्ति प्रज्ञान कैसे हुआ स्वामी महाराज, बोले बेटा ये जो 5 रुपया तुम दे नहीं रहे ना, ये जहर है, ये बीस है, ये पैसा नहीं, ये 20 है, जहर है, जिसने तुमको उस समय में कोई 1 रुपया कोई 2 रुपया 3 रुपया देता था, लेकिन जब कोई देता है ऐसे थोड़ी कोई देता है, जैसे हमें कोई 10 रुपया दिया वो क्या सोच करके दिया, हमारी घर में परेशानी है, हाँ इनकी तबीयत खराब है, उनकी घर में ये अमंगल है, उनकी घर में अशांति है, ये दुख कष्ट, इसलिए वो ठाकुर को घुमा करके ठाकुर जी कि जितने सब दुख कष्ट हमारे दूर हो जाए, इसलिए ये सोच करके 10 रुपया तो देता है ना, लेकिन वो 10 रुपया किसके लिए दिया, ठाकुर जी की सेवा के लिए दिया। अगर ये ठाकुर का सेवा में नहीं लगेगा फिर 10 रुपया अगर हम क्या डायरेक्ट अगर अपना सेवा में नहीं लगा दिया, फिर उसका जो पाप उसका दुख कष्ट किसको लेना पड़ेगा, किसको लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा उसका सारे दुख कष्ट। इसलिए बोले विषय अन्न खाए मलिन है मन, बोले मलिन है ले मन ना है कृष्ण स्मरण है, इसलिए कहते विषय का अन्न अगर खाओगे तो हमारा मन गंदा हो जाएगा, फिर गंदा हो जाने पर क्या होगा, फिर भगवान की भजन नहीं होगा, उनकी सारी कामना वासना तुम्हारे अंदर में आएगा, फिर तुमको लेकर के फिर संसार में लेकर फंसा देगा, फिर संसार में फंसा देगा। इसलिए जब हम लोग मथुरा में थे हम लोग भी भिक्षा में जाते थे, नहीं तो किसी घर में जाते थे, जैसे कैसे घर में जाते थे कीर्तन भजन होता जब जाते थे उस समय 1 रुपया 2 रुपया मिलता था, जैसे 1 रुपया 2 रुपया भी कोविड के बाद 1-1 रुपया 2-2 रुपया प्रणाम मिल जाता, फिर जब हम लोग आते थे फिर क्या करते थे गुरु जी के हाथ में 1-2 रुपया गुरु जी के हाथ में, अगर कोई नहीं दिया गुरुदेव को पता कौन कौन गए, अगर कोई नहीं दिया बोले उसको बोला बोले इधर बोले पैसा क्या किया तूने पैसा दिया नहीं, बोले गुरु जी मैंने रख लिया मेरे को ये चीज़ ज़रूरत है, मेरे को टूथपेस्ट है मतलब ब्रश के लिए दिया, गुरुदेव ने बोले नहीं निकाल पैसा 1 रुपया 2 रुपया दो, फिर गुरुदेव ले करके ना है, फिर गुरुदेव ले करके बोले लो, फिर मैं ले लिया तो मेरे को दे दिया लो, फिर दो बार तू इसको ले फिर खरीदी कर, कभी भी ऐसे अपने आप पैसा नहीं रखना, गुरुदेव मना कर देते अपने आप ये पैसा को नहीं रखना, क्योंकि वो जो पैसा दिया पाप दिया है, दक्षिणा मतलब होता है पाप का दक्षिण हिस्सा है, पाप का दक्षिणा मतलब पाप की दक्षिण हिस्सा है, खबरदार पैसा को नहीं रखना, इसलिए दे करके फिर गुरुदेव उसको लेकर शुद्ध करके फिर उसको दे देते हैं। अगर गुरु जी की हाथ से अगर कोई चीज़ लेते हैं फिर वो चीज़ में माया हमें नहीं पकड़ सकता, अगर डायरेक्ट कोई चीज़ हमें मिला अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं करके खुद अगर भोग करने के लिए कोशिश करोगे, नहीं तो अगली जीवन में उसको घर में घोड़े बनकर ही जन्म लोगे, नहीं तो गधे बनकर ही जन्म लोगे, नहीं तो बैगन का पेड़ नहीं तो मिर्च का पेड़ लेने के रूप में जन्म लोगे, क्योंकि उसको खाया है ना उसको ऋणी तुम्हें ऋणी चुकाना पड़ेगा, तो उसको घर में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए
कहते साधु यहाँ पर कहते हर वस्तु, कहते हर वस्तु किस चीज की, बोले हर वस्तु गुरु सेवा की, हर चीज में गुरु सेवा की रूप लगनी चाहिए। ये सब के सब गुरु सेवा के लिए, ये सब के सब बोले गुरु सेवा उपकरण भोग बुद्धि हिले मंगल हवे ना। कहते गुरु सेवा के विषय में, गुरु सेवा मतलब गुरुदेव भगवत सेवा में लगाते हैं, अगर उसी में तुम्हारी अगर भोग बुद्धि होता है खबरदार तुम्हारे उसमें कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु पे गुरु दर्शन ना हिले अमंगल अनिवार्य। कहते हर वस्तु में अगर वो चीज को अगर गुरु सेवा की वस्तु अगर नहीं देखते हो, तुम्हारी अमंगल निश्चित रूप में तुम्हारी अमंगल होगा ही है। इसलिए अनिवार्य प्रकृत शिष्य यहा मर्म मर्म में अनुभव करे सतत गुरु कृष्ण सेवा के ही जीवन करे। जो वास्तव जो शिष्य है वो क्या करता है, ये चीज को मर्म मर्म में मतलब मर्म मर्म में वो चीज को अनुभव करता है और सतत गुरु कृष्ण सेवा को ही अपना जीवन, अपना गुरु सेवा को ही अपना जीवन मानता है, जीवन मानता है। इसलिए प्रकृत शिष्य अंतरे बाहरे गुरु दर्शन करे। तब जो वास्तव जो शिष्य है तब बाहर और भीतर दर्शन क्या करता है, गुरु ही दर्शन करता है। हाँ, अंतर और बाहर में क्या दर्शन करता है, गुरु दर्शन ही करता है। गुरु जी के सिवाय उसको और कोई चीज जगत में दिखता है नहीं। इसलिए शिष्य निज के लघु जान लो, तार लघु दर्शन व भोग दर्शन नाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई बहुत प्रभुपाद बहुत अच्छी अच्छी बात है ना, कि प्रभुपाद की बात को सुनेंगे ना, प्रभुपाद कौन है, राधा रानी के नयन मणि मंदिर, अगर इनकी बात को सुनेंगे तो सीधा हम भगवान के पास में चले जाएंगे, ठाकुर जी के पास में चले जाएंगे। कहते शिष्य निज के लघु जान ले हो, तार लघु दर्शन व भोग दर्शन नाई। कहते शिष्य का, शिष्य अपने आप को क्या मानता है, कभी बड़ा नहीं मानता। शिष्य मतलब जो शासन को स्वीकार करे उसको शिष्य कहते हैं। इसलिए शिष्य अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता है, क्योंकि अपने आप को गुरु का दास मानता है, गुरु का वो अपने आप को दास मानता है। इसलिए दास मानने की वजह से वो कभी भी अपना को अंदर में कभी उसके अंदर में अभिमान नहीं आता, कभी बड़ा अभिमान नहीं आता। हमें अभिमान कब आता है, जब हम कोई थोड़ी शासन करते ना हम गुस्सा हो जाते हैं, अरे हम कैसे बोले ऐसे बोले, कब ऐसे होता है, जब अपने आप को हम बड़ा मानते हैं तभी तो क्रोध आएगा, अरे हम कैसे बोल दिया, हम ऐसे करने वाले, तभी अभिमान आते हैं। अगर अपने आप को अगर हम दीन ही नहीं मानते हैं, शिष्य मानते हैं, हाँ शिष्य मतलब जो शासन जो स्वीकार करें, फिर तो कभी अपना बड़ा ही नहीं मानेगा, अपना कभी वो बड़ा ही नहीं मानेगा। इसलिए शिष्य के निज लघु जान लो, तार लघु दर्शन व भोग दर्शन ना है। लेकिन वो अपने आप को लघु मानता है, इसलिए क्या वो छोटा दर्शन हो, नहीं, घर से बड़ा दर्शन, अपने आप को छोटा मानता है। इसलिए इसका मतलब नहीं ये नहीं वो अपने आप को छोटा मानता है, छोटा बल नहीं, उसका जो दर्शन है ना श्रेष्ठ दर्शन, क्यों, हर चीज़ को भगवत सेवा की गुरु सेवा के विषय मानता है, छोटा मानने को छोटा नहीं। बोले गुरु छड़ा ये जगते अमार आपा ना बोलते आर क्यों नाई। कहते गुरु जी को छोड़ करके जगत में अपना मान करके और कोई नहीं, अगर अपना जीवन में सब कुछ कौन है, श्री गुरु जी है, यही हमारी कल्याण करने वाले श्री गुरु जी, अपना अगर कोई होना कौन है, श्री गुरु जी ही अपना है। यही बुद्धि निष्कपट शिष्य रखाते, जो एक निष्कपट शिष्य का जो बुद्धि है हर समय यही भावना उसके अंदर में रहते हैं, जगत में हमारा अगर कोई एक है कौन है, श्री गुरु पाद पद्मी हमारे सब कुछ है, क्योंकि हम जिसको हम अपना मानते हैं ना। इसलिए भागवत ने बताया स्वजनात् दस्य, अगर जिसको हम अपना मानते हैं उसको दस्यु है, डाकू है। बोले डाकू क्या करता है, बोले डाकू सब कुछ छीन लेता है, डाकू क्या करता है वो सब कुछ छीन लेता है, सब चोरी कर लेता है, छीन लेता है,
और खाली हाथ होने पर छोड़ देता हूँ, जाओ हैं। इसका मतलब क्या है? सोचनाख्य दस्यु कहते, हमारा जो प्रेम और प्रीति प्यार देनी चाहिए किसको? बोले भगवान को देनी चाहिए, ठाकुर को देनी चाहिए। लेकिन जो प्यार प्रीति भगवान को देनी चाहिए, लेकिन हम भगवान को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? परिवार को, परिवार को, सारे संसार को दे रहे हैं। सबके सब हमारी एनर्जी, सबके सब एनर्जी सबको छीन रहे हैं, सबके सब छीन रहे हैं सबके एनर्जी, हाँ सबके सब। इसलिए इनको डाकू, इनको दस्यु बताया गया। जैसे जूस निकालते ना, गन्ने का जूस निकालते ना, लेकिन एक बार दे करके गन्ने के एक बार दे देगा जूस निकल गया, बोले उसमें और थोड़ा जूस है, पर उसको दो बार करके पर दो बार देता है, पर देखा जूस निकल गया और थोड़ी सी, उसको फिर चार बार दे करके हैं देगा मशीन में, बोले और थोड़ी सी है, अब देखना फिर आठ बार करके उसका झाग निकल जाती है लास्ट में, हाँ उसको दूसरे देता है, और जब ख़त्म हो जाएगा पर उसको फेंकेगा नहीं, पर उसको जला कर फिर उसको फिर उसको जलाएगा फिर कहते। तो उसी तरह ये संसार बड़ा विचित्र दुनिया है, संसार बड़ा विचित्र दुनिया है। इसलिए कहते अगर वास्तव रूप में हमारे कोई कल्याण करने वाले कौन हैं? श्री गुरुपाद पद्मखियों, वो हमें भगवत सेवा में, भगवान की भजन में ये लगाएंगे, भगवान की भक्ति में हमें लगाएंगे। इसलिए कहते शिष्य का यही निष्कपट बुद्धि रहनी चाहिए। बोले प्रकृत शिष्य गुरुदास अभिमानी प्रतिष्ठित एवं गुरुदेव ईश्वर बुद्धि विशिष्ट। कहते जो वास्तव जो शिष्य है अपने आप को क्या मानता है? हम गुरुदास है, हम श्री गुरु जी का हम दास, यही अभिमान में प्रतिष्ठित रहते हैं। और गुरु जी का प्रति उन्होंने क्या बुद्धि है? ये ईश्वर बुद्धि, गुरुदेव का प्रति भगवत बुद्धि करता है। गुरु ते तार प्रगाढ़ विश्वास सहज बुद्धि, गुरु जी का प्रति उनके प्रगाढ़ विश्वास और स्वाभाविक रूप में गुरु जी का प्रति उसकी प्रीति रहती है। इसलिए प्रकृत शिष्य गुरु के परम आत्मीय रूपे कृष्ण पृष्ठ रूपे प्रीत्यास्पद रूपे नित्य प्रभु रूपे नित्य सेव्य रूपे एवं जीवन रे सर्वस्व बोले जाने। फिर जो वास्तव शिष्य है गुरु जी को किस रूप में दर्शन करता है? बोले वास्तव जो शिष्य है बोले श्री परम आत्मीय रूप। अगर दुनिया में अगर हमारे कोई वास्तव रूप में आत्मीय, आत्मीय समझते कि नहीं, अपना है वास्तव रूप में, वो कौन है अपना? बोले श्री गुरुपाद पद्म। कृष्ण प्रेष्ट रूपे बोले गुरुदेव कौन है? बोले भगवान की ये अत्यंत प्रिय है। बोले गुरुदेव कौन है? बोले प्रत्यास्पद रूपे, प्रत्यास्पद मतलब प्रीति का जो आश्रय है। अगर जीवन में किसको अगर प्यार करे तो किसको प्यार करनी चाहिए? बोले श्री गुरुपाद पद्म को ही प्यार करनी चाहिए। गुरुदेव को क्या समझनी चाहिए? ये हमारी जन्म जन्मांतरी हमारी प्रभु है। गुरुदेव कौन है? हमारी सेव्य है, हम उनकी सेवक है। बोले गुरुदेव कौन है? कहते हमारे जीवन का सर्वस्व कौन है? श्री गुरुपाद पद्म। कहते अगर जीवन में ऐसे अगर भावना हो और कहते शिष्य जाने जय श्री गुरुदेव जुगपत भक्ति विग्रह और भगवत विग्रह। गुरुदेव को शिष्य किस रूप में जानता है? ये भगवत स्वरूप ही है और श्री गुरुपाद पद्म भक्ति विग्रह भी है। कहते से गुरुदेव कृष्णेर प्राणापेक्षा प्रिय वो ताहार अभिन्न मूर्ति व प्रकाश विग्रह। बोले गुरुदेव कौन है? फिर गुरुदेव कृष्ण का प्राणापेक्षा प्रिय, मतलब जो गुरुपाद पद्म भगवान अपना प्राण से भी ज़्यादा प्रिय किसको कहते हैं? श्री गुरुदेव कहते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? साधव हृदय प्रियम साधु नाम हृदय, साधु मेरा हृदय, मैं साधु का हृदय, साधु मेरे को छोड़ कर किसको नहीं जानता है, मैं भी साधु को छोड़ कर और किसको नहीं जानता हूँ। तार अभिन्न मूर्ति और प्रकाश, फिर गुरुदेव कौन है?
बोले भगवान की अभिन्न प्रकाश है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बोले यद्यपि अमर गुरु चैतन्य दास तथापि ज्ञानिया आमी तहार प्रकाश। बोले गुरुदेव कौन है? बोले अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब दास। जगत में केवल भगवान कृष्ण ही है, सबके सब उनकी दास, सबके सब भगवान का दास, केवल ईश्वर भगवान कृष्ण। इसलिए इसी बुद्धि से हमारे गुरुदेव कौन हुए? भगवान का दास। लेकिन दास होने पर भी कहते हैं कि शिष्य का परम कर्तव्य क्या है गुरु का कर्तव्य? अरे यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य का दास, सबके सब चैतन्य का दास है, लेकिन शिष्य समझता है तथापि जानिया हमें तहार प्रकाश। तभी एक शिष्य समझता है जो गुरुदेव भगवान की अभिन्न प्रकाश दिख रहे है। गुरुपाद पद में दास्य व्यतीत कृष्ण दास्य लाभ है संभावना ना है। जब तक श्री गुरुपाद पद्म का दास्य नहीं करते हैं तब तक भैया कृष्ण दास्य हमें प्राप्त नहीं। इसलिए गुरुदेव बोलते थे अभी तो हम डायरेक्ट कृष्ण का दर्शन अभी कर नहीं पा रहे, अभी साक्षात रूप में गुरु और वैष्णव हमारे सामने, गुरु और वैष्णव है, इसलिए पहला हमारा जो प्रीति है, जो प्रेम, पहले गुरु जी और वैष्णव का प्रीति, फिर वही प्रेम और प्रीति यही बदल करके श्री ठाकुर का प्रीति हो जाए। तो डायरेक्ट रूप में तो कृष्ण दर्शन हमारा हो ही नहीं, सामने गुरु और वैष्णव का दर्शन है, पर इनके प्रति जैसे प्रेम करेंगे यही प्रेम ही बदल करके ठाकुर के प्रति हो जाएगी। इसलिए कभी जारा गुरु दास्य बा सेवा करें ना करे ताहा ही प्रकृत वैष्णव व प्रकृत शिष्य आर बात बाती सकले ही अहंकार विभ्रात्मा। कभी जो लोग गुरु का दास्य बा सेवा नहीं करते हैं कहते वैष्णव व प्राकृत शिष्य बाद वादी सकले अहंकार विभ्रात्मा। कहते जो गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं कहते वास्तव रूप में वही वैष्णव वही शिष्य है, और जितने बाद वादी मतलब और जितने हैं तो सबके सब अहंकार और सबके सब मूर्ख सबके सब है। सोजा कथा है भोगी हवार वासना युक्त विश्वास है। इसलिए कहते सोजा कथा है, सोजा कथा मतलब होता है सोजा कथा में सीधा सदा सीधा सोजा कथा मतलब सीधा बात है। जो व्यक्ति गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करते हैं उनकी वो कौन है? लोग भोगी है। वो हर समय अपना भोग के लिए कोशिश करते हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति अपना भोग के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत होते हैं हर समय भगवान की सेवा के लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए हर समय प्रचेष्टा से करते हैं। इसलिए कहते हैं ये कौन है? यही प्रकृत शिष्य है। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वंशाकुर्भ्य कृपा सिंधु पतिता पावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोलो राम राम हरे 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hare
गौर ब्रह्मानंद जय श्री गुरु वरानंद विकास धन्य।